एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के अंदर बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप जब लिक्विड को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बताओ लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड एक्सपैंड होगा, लिक्विड फैलेगा। तो इमेजिन करो कि आपका लिक्विड एक ग्लास की ट्यूब में है, फ्लास्क में है, और आपने क्या किया, ये लिक्विड की हाइट क्या थी, यहाँ पर लेवल क्या था, ए था। जब आपने लिक्विड को गर्म किया, जब आपने फ्लास्क को गर्म किया, तो लेवल कहाँ पे जाएगा लिक्विड का, बोलो, बी पे कि सी पे? सी पे जाएगा, राइट। लेकिन ये क्या एकदम गर्म करते सी पे चला जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? क्यों क्यों? तो लिक्विड एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड एक्सपैंड होगा, तो उसको तो ए से सी पे जाना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, तो धीरे धीरे ए से सी पे, क्या राइट आंसर? लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले वो कहाँ पे जाएगा? ए से बी पे जाएगा। क्या राइट है? लेवल गिरेगा? हाँ, लेवल गिरेगा, क्योंकि लिक्विड को गर्म कर, लिक्विड किस में पड़ा हुआ है? फ्लास्क में, सॉलिड में। तो पहले गर्म कौन होगा? वेसल। पहले वेसल गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा, लिक्विड तक तो हीट पहुंची नहीं, पहले बर्तन गर्म होगा, वेसल गर्म होगा, वो वेसल की हीट लिक्विड में जाएगी। अब सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन होती है पता है? गैस। उससे कम एक्सपेंशन पता है किसकी होती है? लिक्विड की। और सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की। तो सबसे पहले वेसल गर्म हुआ, वेसल फैल गया, लिक्विड तो गर्म हुआ ही नहीं, तो लिक्विड का लेवल बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो गया? कम हो गया। तो ये लिक्विड का लेवल ए से कहां गिर गया? बी पे गिर गया। अब हीट किसको ट्रांसफर होने वाली है? वेसल से कहां ट्रांसफर होगी? लिक्विड को। अब लिक्विड जब गर्म होगा, वो एकदम ड्रास्टिकली गर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा, ज्यादा गर्म हुआ, एक्सपेंशन ज्यादा है। अब ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड होगा, तो सीधा लेवल बी से उठता उठता ए को क्रॉस करता हुआ कहां पे आ जाएगा? सी पे। तो रूल समझ में आ रहा है? तो रूल ये है कि लेवल लिक्विड का ए था, पहले वेसल गर्म हुआ, पानी गर्म नहीं था या लिक्विड गर्म नहीं था, तो वो बी पे गिर गया, क्योंकि वेसल एक्सपैंड हो गया, लिक्विड हुआ नहीं। फिर लिक्विड एक्सपैंड हुआ बी से, होता 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 कहां पर चला गया? सी पे। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि किसी को मैंने कहा, एक स्टूडेंट को, चल यार एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, लिक्विड की एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ। तो ने कहा ठीक है सर, करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मैं ऑन करता हूँ। तो लिक्विड जो वेसल है वो टाइम ले रहा था गर्म होने में। वो कहता, स्टूडेंट कहता, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, गर्म करके रखो। वो चला गया, जाते हुए देख गया कि लेवल क्या था? ए। फिर वापस आया आधे घंटे के बाद, मैंने कहता पानी गर्म हो गया? मैंने कहा जी हो गया। तो अब वो लेवल कहाँ चेक कर रहे हैं? लेवल उसको फाइनली कहाँ दिखेगा पानी गर्म होने के बाद? सी पे। तो बस लोगों को क्या कहेगा कि देखो जब मैं गया था तो लेवल क्या था? ए। और देखो लेवल क्या हो गया? सी। उसे पूछा कि हुआ क्या? बोला लिक्विड एक्सपैंड हो गया। लेकिन रियलिटी उसको पता नहीं लगी कि पीछे से क्या हुआ था। पीछे से क्या हुआ था? वेसल पहले गर्म हुआ था, तो लेवल नीचे से ऊपर उठ के आया है। तो रियलिटी में क्या हुआ? ए से बी से सी हुआ। लेकिन अपेरेंटली क्या हुआ? अपेरेंटली का मतलब उसको क्या लगा? उसको लगा कि लेवल ए से सी पे हो गया। तो यहां पर लिक्विड में एक्सपेंशंस दो किस्म की ली जाती हैं। एक स्टूडेंट अपेरेंट देखता है जी, वो कहता है जी देखो जी ए से सी पे चला गया, उसकी वो कहता है जी मेरा तो गामा डिफरेंट है। वो अपनी कैलकुलेशन में गामा कैलकुलेट करता है, वो डिफरेंट आता है गामा उसका, क्योंकि गामा कैलकुलेट करते कैसे हैं? गामा कैलकुलेशन के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन ली जाती है। वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, v इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा v, v डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली वो चेंज इन वॉल्यूम अगर ये ले रहा है तो गामा उसका डिफरेंट आएगा, लेकिन जो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से यहाँ ले रहा है उसका गामा डिफरेंट आएगा। तो एपरेंट गामा क्या होगा? ए से सी पे जाना, और रियलिटी क्या होगा? ए से बी पे और फिर सी पे जाना। तो इसलिए गामा में डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंशन में जो बताया गया, दो किस्म की एक्सपेंशन बताई गई। पहली एक्सपेंशन बताई गई एपरेंट एक्सपेंशन, और दूसरी एक्सपेंशन बताई गई रियल एक्सपेंशन, क्योंकि रियलिटी कुछ और हो रही है और एपरेंट हमें दिख कुछ और रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो लिक्विड की एक्सपेंशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो इसमें पहले ये एक्सप्लेन किया गया पूरा फिनोमेना कि एक आपने एक बल्ब लिया, बल्ब को आपने एक हॉट वाटर में रखा, लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम जो है वो क्या हुआ? कम्स डाउन टू बी एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू सी हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज वेसल इज वार्म्ड अप अर्लियर देन द लिक्विड। पहले वेसल गर्म हुआ इसलिए लेवल नीचे गिर के ऊपर उठा, ये सब एक्सप्लेन्ड है इसमें। और इसमें ये बता रखा है कि एज लिक्विड इज मोर एक्सपेंडेबल देन ग्लास, तो इट्स लेवल फाइनली राइजेज अबव ए। तो उसने ए को तो क्रॉस करना ही करना है। तो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया वो लिखा हुआ है, आपको ये बस एक बार ब्रीफली पता होना चाहिए, आपको इतना ये लिखने को नहीं आएगा, ठीक। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये लिखूंगा नहीं लिक्विड एक्सपेंशन, उसमें मेन मेन चीज लिखूंगा मैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है।
अब रिलेशन बिटवीन गामा आर एंड गामा ए, ये रिलेशन आपकी बुक्स के अंदर भी बहुत कम बुक्स में गिवन है और ये बहुत ही कम यूज होने वाला एक्सप्रेशन है। मतलब मेरी तरफ से आप इसके प्रूफ को ना करें, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट एक्सेप्शनल क्वेश्चन उठा के लेके आता है तो उसको ये ना लगे कि मैंने ये टॉपिक करवाया नहीं। वैसे अगर आप ये पूछो सर आपने पिछली बार कब यूज़ किया था ये रिलेशन, न्यूमेरिकली मुझे नहीं पता कब यूज़ किया था। हाँ, 365 दिन पहले मैंने क्लास में यही लेक्चर लिया था और बोला था कि देखो ये फॉर्मूला नोट कर लो, उसके बाद ये यूज़ नहीं हुआ मेरे से। तो यानी कि ये बहुत ही लीस्ट यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, पर क्योंकि मैंने किसी ऑब्जेक्टिव बुक में देखा था और स्टूडेंट ने एक दिन डाउट पूछा था मुझसे, तो जिसकी थ्योरी मैंने करवाई नहीं थी, जिस वजह से मेरे को ये नोट करना पड़ा। तो ये इसलिए नोट नहीं हुआ कि स्कूल के पेपर में आएगा या इस तरीके से है, इसलिए नोट हुआ कि आपको ये बता सकूं कि रिजल्ट कहाँ से आया। तो इसके अंदर मेन चीज़ देखने वाली एक ही लाइन है, जो रियल एक्सपेंशन है, जो असली एक्सपेंशन है वो क्या है, वो एपरेंट एक्सपेंशन है। ए से सी तो है ही है और ए से बी की एक्सपेंशन भी है। अब जो ए से बी की एक्सपेंशन है वो लिक्विड की एक्सपेंशन नहीं है, वो वेसल की एक्सपेंशन है। ए से बी आने का मतलब वेसल की एक्सपेंशन है और फिर ऊपर जाने का मतलब एपरेंट एक्सपेंशन है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, नीचे आने के लिए एक्सपेंशन ऑफ वेसल ले लिया और फिर ए से ऊपर जाने के लिए एपरेंट एक्सपेंशन ली। तो अगर एपरेंट एक्सपेंशन और वेसल की एक्सपेंशन मिला लें तो असली एक्सपेंशन आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सपेंशन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक्चुअल में क्या किया इसमें, जो असली एक्सपेंशन है उसमें एपरेंट समझते हैं, एपरेंट का मतलब है ए से सी और रियल का मतलब वेसल की एक्सपेंशन भी मिलानी पड़ेगी। तो इस रिजल्ट को मैंने यूज किया, इस रिजल्ट में डेल्टा वी का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, ये फॉर्मूला डेल्टा वी का। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, वेसल किसका बना हुआ है, ग्लास का। तो डेल्टा वी किसकी वजह से है, ग्लास की वजह से। करेक्शन कर लेना, ये गामा ग्लास है, वी नॉट गामा ऑफ ग्लास इंटू टी डिग्री सेल्सियस। तो मान लो टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज कर दिया टी, तो यहां पर जरा मेंशन कर लो, यहां पर गामा ऑफ ग्लास आएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा, अब एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, देखो जो एपरेंट एक्सपेंशन है मैंने इसकी जगह क्या पुट किया, वी नॉट गामा जी इंटू टी। एपरेंट एक्सपेंशन के अंदर मैंने क्या यूज किया, वी नॉट इंटू गामा एपरेंट इंटू टी। सीधा पुट ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है यहां तक, बस गामा ही तो पुट करना है, बाकी वी नॉट तो वी नॉट सेम ही था, सब कुछ सेम है। और यहां पर क्या पुट करेंगे, वी नॉट इंटू गामा रियल इंटू टी, तो टी वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज ये रिजल्ट फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, इसका प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए आपको, पढ़ने की भी जरूरत नहीं आज के बाद इसे। कल को ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आपको ये मार्क करने को आ जाए कि रियल गामा किसके इक्वल होता है, तो आपने बोला है गामा ड्यू टू एपरेंट एक्सपेंशन एंड गामा ड्यू टू वेसल। बस ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें।